नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। बलौदा बाजार सेक्स स्कैंडल, 5 महीने से फरार चल रही रवीना टंडन हुई गिरफ्तार, 8 पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल में बुधवार को एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पिछले कई महीनों से फरार चल रही युवती रवीना टंडन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि रवीना टंडन भी ब्लैकमेलिंग में शामिल थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले में बीते मंगलवार को ही एक और नई FIR दर्ज की गई है। इस FIR के बाद पुलिस ने एक महिला समेत टिफिन कैंटीन संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले भी पुलिस ने इस मामले में शामिल आरोपी प्रधान आरक्षक समेत 8 लोग पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 5 लोग जमानत पर बाहर आ चुके हैं। प्रधान आरक्षक के अलावा कुछ सफेदपोष लोग की संलिप्तता पर लगातार मीडिया के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे। इसको लेकर पुलिस कार्रवाई पर सवालिया निशान उठ रहे थे, क्योंकि सेक्स स्कैंडल मामले में प्रभावशील लोगों के भी लिप्त होने की खबर थी। बताया जा रहा है कि जांच में आरोपी के बैंक खातों से करोड़ों रुपये के लेन देन के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवालों से बताया जा रहा है कि पूछताछ में और भी कई पुलिस विभाग के ही बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने मीडिया को भरोसा दिलाया था कि मामले में जाँच की जा रही है और इसमें जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने इसमें संलिप्त 5 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही कर चुकी हैं, जिन्होंने पुलिस को घटना से संबंधित जानकारी दी है और उन्हें जेल भी भेजा गया था, जहां से जमानत मिल गई है। पर अभी भी नामजद एक महिला आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस गिरोह ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से बलौदाबाजार शहर एवं आसपास के विभिन्न शासकीय एवं प्राइवेट सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए लोगों को अपने झांसे में लिया जाता था तथा उन्हें महिला संबंधी अपराध में फंसाने एवं लोक लाज का भय दिखाकर लाखों रुपये की मोटी रकम वसूली की जाती थी। यह गिरोह बहुत ही शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देता था तथा गिरोह के सभी सदस्यों के मध्य काम का बंटवारा करते हुए सभी सदस्य अपनी अलग अलग भूमिका निभाते थे।